दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में आप नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 12 मई तक बढ़ा दी है। केस की जांच सीबीआई कर रही है। वहीं सीबीआई केस में जमानत को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई के दौरान बेंच ने सीबीआई से कहा कि अगर आपके पास वो सबूत हैं जिन पर आपको भरोसा है तो हमें दिखाएं। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला 28 अप्रैल तक टाल दिया। ईडी केस में कोर्ट ने 18 अप्रैल का वो फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके पहले सीबीआई ने पहली बार अपनी चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम आरोपी के तौर पर कोर्ट में पेश किया। सीबीआई ने मंगलवार को ही राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। सिसोदिया के अलावा जांच एजेंसी की चार्जशीट में हैदराबाद के सीए बुच्ची बाबू गोरंटला, अर्जुन पांडे और अमनदीप सिंह डल का भी नाम आरोपी के रूप में शामिल है। कोर्ट चार्जशीट पर 12 मई को सुनवाई करेगी। बुच्ची बाबू गोरंटला तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता के सीए हैं। मामले में कविता से भी ईडी पूछताछ कर चुकी है। चार्जशीट में एजेंसी ने कहा कि इस मामले में बड़ी साजिश और अन्य आरोपियों की भूमिका की जाँच की जा रही है। सीबीआई ने आखिरी चार्जशीट 25 नवंबर 2022 को फाइल की थी। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।